जहरा, तो आज है तीसरा रोज़ा, आप सबको तीसरा रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। देखते देखते दो रोज़े थी, तीसरा रोज़ा भी गुजर गया। मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह हर रोज़ा शेयर करूँगी। तो मैं आज बना रही हूँ स्प्रिंग ओनियन का भजिया, जो कांदा पत्ता होता है, हरा पत्ता कांदे का, उसका भजिया बना रही हूँ। और इधर मैं बना रही हूँ आलू का भजिया, क्योंकि आलू का भजिया सबको बहुत पसंद है। तो और इधर मैंने बनाई हूँ चना चाट, बहुत टेस्टी लगता है ये। और बस आज मैंने यही बनाई हूँ अफ्तारी में, और बाकी फ्रूट्स है उधर, बाकी खाला उधर फ्रूट्स कट कर रही हैं, बस इतना ही। कल अफ्तारी थोड़ी ज़्यादा हो गया था, कहते ना रमज़ान में कितना भी कम बनाओ पर बरकत हो ही जाती है। तो आप सबको तीसरा रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। देखते ही देखते तीन रोज़े गुजर गए, पता भी नहीं चला। तो अभी मिलती हूँ आपको अफ्तारी के टाइम। तो अभी 6:30 बज रही हैं, टाइम बस आधा घंटा बचा है। और अभी मैं आज ज़्यादा कुछ मैंने ब्लॉगिंग नहीं की हूँ, क्योंकि आज मैं थोड़ी डाउन फील कर रही हूँ। और मैं आज का ब्लॉग और कल का ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी, और फिर दोनों तीसरा रोज़ा और चौथा रोज़ा मिक्स करके मैं आप लोगों को तो वीडियो में अपलोड करूँगी। ये तीसरा चौथा रोज़ा कंप्लीट करने के बाद। तो ये देखिए भजिया, देखने में अच्छा लग रहा है ना। इधर आओ जरा, खजूर। और अभी यहाँ पे हो रही है दुआ, और जहरा हमेशा अपने दादा के साथ ही बैठती है। कहीं पे भी दादा बैठते हैं, जहरा साथ में रहेगी। और यहाँ पे सब शुरू हो गए हैं खाने, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है सबके साथ बैठ के। आप लोग भी दुआ करिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तो मैंने अभी नमाज पढ़ ली मगरिब की, और अब मैं निकाल रही हूँ सबके लिए चाय। और इधर मैं कलेजी बना रही हूँ, इधर चाय। तो अभी हम लोग सब जा रहे हैं चाय पीने। अस्सलाम वालेकुम, चौथी सहरी आप लोगों को मुबारक हो। यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय, और एक तरफ रोटी बना रही हूँ, और ये वो है जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी तुरड़ी। तो मैं तीसरी सहरी में नहीं उठ पाई थी, इसलिए मैं आज बना रही हूँ। और ये देखिए खिड़की पे पीछे चिपकली आई हुई थी, और इतना मैं भगा रही हूँ, भागी नहीं रही, इस तरह से चिपकी हुई है। और यहाँ देखिए बूढ़ी दादी, मेरी जो दादी सास है, वो भी रोज़ा रखती हैं, और वो भी कर रही हैं सहरी, माशाल्लाह। हाँ ठीक है, मैं भाई को लेके आती हूँ, फिर भैया को कुछ खिलाऊंगी। ठीक है, जाऊँ? सुसु आइए, सो जाओगे? छोड़ के जा रही हूँ भाई को लेने ना बेटा, चलो लेट हो जाएगा। तो जा रही हूँ दानियाल को लेने के लिए, उस दिन गई थी छोड़ने, तो आज भी मेरे हस्बैंड के पास टाइम नहीं है। कि नहीं, मेरे हस्बैंड बताए थे कि वो जो चलने वाला सिंबल आता है ना, तो तब क्रॉस करने का, तब मुझे थोड़ा समझ में आया। देखती हूँ अभी तो सब, अभी देखिए कितनी तेज़ी में गाड़ी जा रही है। ये दिख रहा है आप लोगों को चलने वाला सिंबल, मैं अभी दिखाती हूँ। वो देखिए चलने वाला सिंबल, थैंक गॉड, फाइनली मैंने कर ली हूँ क्रॉस। तो अभी आपको दिखाती हूँ वहाँ पे, सामने देखिए कितने सारे बर्ड्स बने हुए हैं, दिख रहे हैं, सोच बहुत प्यारे लग रहे हैं। और अभी देखिए फुटपाथ के साइड में ये जो पेंटिंग्स दी हुई है, ये 1790 की है, 1790 में कैसा दिखता है, सारी पेंटिंग्स दी हुई है। और देखिए कितनी खूबसूरत पेंटिंग है, ये पेंटिंग नहीं है, आगे अभी दिखाऊंगी और खूबसूरत पेंटिंग है। और अभी जो मुंबई की वॉल है, हर दीवार पे जितनी भी दीवार है आपको देखिए, नीचे भी फिश पेंट हुआ है, हर दीवार पे आपको पेंटिंग्स देखने को मिलेगी, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग हुई है। ये देखिए पेंटिंग, और बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है।
और चलने में भी अच्छा लगता है। साइड साइड में हर दीवार पे पेंटिंग्स रहती है तो देख के भी बहुत अच्छा लगता है। करने और वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, इसलिए मैं बंद कर दे रही हूँ। मैंने टीचर को पूछी थी, टीचर ने बोली नहीं नहीं अलाउड नहीं थी। इधर दानियाल, दानियाल वीडियो बना रही थी आपका, मम्मा आपको लेने आई है, वीडियो बना रही थी मैं आपका। बॉटल लिए हो? चलो। पापा भी नहीं आए? पापा बाहर गए हैं बेटा। क्यों मम्मा आई तो आपको नहीं अच्छा लगा? मैं आई हूँ। एक टैक्सी पकड़ के चल रहे हैं। एक टैक्सी पकड़ के? क्यों? एक मिनट सामने से बोलो। हाँ, टैक्सी पकड़ के क्यों जाना है? अच्छा, पापा आते हैं तो गाड़ी से लेके जाते हैं, तो मम्मा आएगी तो चल के लेके जाएगी, इसलिए टैक्सी इतना दूर नहीं है बेटा, मम्मा भी तो चल के आई ना। आप चल के चलोगे? अभी क्या कुछ देखते देखते चलोगे? गाड़ी से तो पटाक से पहुंच जाते हो घर पे। आओ मैं दिखाऊंगा, देखो सामने जो बिल्डिंग दिख रही है, ने ट्रायंगल बना है वो अपनी बाजू वाली बिल्डिंग है। हाँ, उसके बाजू में हम लोग की है, देख लिए ना। इधर से थोड़ी चढ़ के जा सकते हैं, चल के जाना पड़ेगा। हाँ, बड़ा क्या है ये? ये वाटर कूलिंग में जाके हम लोग के नल से पानी आता है। हाँ, अरे वाह, दानियाल को तो सब पता है। चलो हम लोग चलेंगे सरकारी भंडार दूध लेने। जाते तो आप ऐसे देख पाते हैं क्या ये सब जो देख रहे हो? ये? हाँ, पानी में क्या था? वो गटर है बेटा, गटर है वो अंदर। देखो कितनी मस्त पेंटिंग, देखो पेंटिंग देख रहे हो? वो देखो वहाँ पे डर लगती है, आप जो बोल रहे हैं। चलो देखूँ कहाँ डर लगती है, कहाँ डर। देखो कितनी गाड़ी आ रही है, देखो वो सामने देखो ना, कितनी ढेर सारी फिश है। देखे हो? मम्मा तो आती नहीं है ना। सरकारी भंडार ना? सरकारी भंडार। अच्छा मम्मा, सरकारी भंडार लगे। यहाँ पे भी देखो कितना मस्त मस्त डॉग बना है ना। भी अंदर से क्या हुआ? बहुत ठंडा है, क्या लेना है? आइसक्रीम? कौन सा आइसक्रीम लोगे? पहले मुझे आपके लिए वो लेना है, आपका सोप खत्म है, साबुन खत्म है ना, मुझे आपके लिए साबुन लेना है। तो जिससे आँख में लगे ही ना, जिससे आँख में लगे ही ना। तो पूछना पड़ेगा ऐसा कौन सा। ये सिर्फ ले लो ना। चलो बेबी सोप उस साइड है। आ जाओ। हाँ चॉकलेट लूंगी। हाँ बेटा, हाँ पहले चॉकलेट। अले अले क्यों बोलते हो? अरे अरे बोलने का। अरे अरे अले अरे ये ले लो ना, मैं ले लिए सब ले लूँ। तो फिर पापा आएंगे तो क्या लेके जाएंगे? चलो चलो मामा जी, चॉकलेट भी नहीं दिला रहे। क्या नहीं दिला रही हूँ? बिस्किट लोगे? हाँ ये ला। ले लो, एक ही लेना। हाँ बड़ा है क्योंकि? नहीं, क्योंकि मम्मा पैसा लेके नहीं आई है ज़्यादा, पापा आएंगे तब। ठीक है, जब पापा आएंगे दो लूँगी। हाँ ठीक है।
इधर पे नहीं है, उधर इधर इधर ही है, इधर ही। हाँ ये वाला चाहिए, ये वाला, ये वाला। एक और ले लो बस। बस हाँ बस, चलो घसीट घसीट के ले चलो, इधर ही तो ले चलना है, कहाँ घसीट है ना। मोबाइल नंबर किसका? मोबाइल नंबर सतोतीस 53। तो हम लोग ने अभी ले लिए हैं दूध और दानियाल को चाहिए था। क्या क्या चाहिए था दानियाल आपको? क्या चाहिए था जोर से बोलो। और आइसक्रीम? हाँ। अभी पापा आएंगे ना तब आपको दिलाएंगे, ठीक है? अभी खाना था, पापा को बोलती हूँ लेके आना, ठीक है? दानियाल एक फटी नोट वापस करके आए, दूसरी फटी नोट मिल गई, तो बीच से पूरी आधी थी है ना। देखो ना अब, देखो दिख रही, यहाँ देखो, यहाँ यहाँ देखो कट लगा है और फिर उसको सेलो टेप से चिपकाया है। समोसे की दुकान और मैं आ गई हूँ अपनी बिल्डिंग में, पहुँच गई मैं। चलो लिफ्ट भी जल्दी नहीं आ रही है दानियाल, चलो आ गई। प्लीज क्लोज द डोर। अरे आप सही से प्रेस नहीं किए, तीसरे पे चली गई, वो देखो चौथे पे जा रही है, एकदम ऊपर जाएगी क्या? लो इसके लिए मैं बोली प्रेस करने, तो बोल। चलो चलो। और ये रहा हमारा मेन डोर। चलो सलाम करो, अच्छे से बेटा सलाम करो। और आप लोग बताइएगा कि मेरी वीडियो का कौन सा पार्ट आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगा, ताकि इससे मुझे हेल्प होगी कि आप लोगों को कैसी वीडियो पसंद आ रही है। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, अभी बज रहे हैं 4:40, मतलब 4:45 बज रहे हैं, और मैं दानियाल को लेके आई, फिर घर का जो भी काम था वो मैंने फिनिश करी, और बच्चे लोगों को खाना पीना खिलाई, फिर नहाई, फिर थोड़ा आराम करी, और अब मैं आई हूँ किचन में बनाने के लिए। तो मैं आज बना रही हूँ चना मसाला और चना दाल और मूंग दाल, छिलके वाली मूंग दाल होती है ना, उसका वड़ा बोलिए या भजिया बोलिए। देखिए तो मैं सबसे पहले इसको धोऊँगी, देखिए छिलके वाली दाल, तो मैं इस दाल को पहले धोऊंगी फिर। वैसे तो आप लोगों को आता है, आता होगा बनाना, पर मैं कैसे बनाती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर, मतलब वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और बनाऊंगी चना मसाला, तो अब मैं फटाफट से कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मूंग की दाल मैंने अच्छे से धो ली, ये देखिए सारे छिलके निकल गए हैं, पर कोई बात नहीं, धो ली हूँ चने की दाल भी धो ली हूँ। और मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्ची, जीरा, अदरक और लहसुन। अदरक लहसुन का टेस्ट इसमें अच्छा लगता है और डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है, तो मैं इसमें डालूंगी। दाल मैंने पीस ली हूँ और ये मसाला मैं चने की दाल में पीसूंगी, क्योंकि मूंग की दाल बहुत जल्दी पीस जाती है। तो मैंने ये भी इसमें पुदीना, कोथमीर, धनिया का पत्ता, नमक और 2 मीडियम साइज़ का बारीक कांदा कट करके डाल दी हूँ। नमक भी डाल दी हूँ, पर मैं इसको अभी मिक्स नहीं करूँगी, बनाते टाइम इसको मिक्स करके फिर बनाऊँगी। तो देखिए मेरा चना मसाला हो गया है रेडी। मैंने अभी पढ़ ली असर की नमाज और मैं अब जा रही हूँ फ्राई करने के लिए। तो मैंने ये गुलगुला में डाली हूँ गुड़ पाउडर
और खोपरा, सौंफ और सोडा बस, और आटा, आटा तो रहेगा ही, बिना आटे के गुलगुला कैसे बनेगा। और मैंने दूसरे साइड दूध रख दी हूँ चाय बनने के लिए। और ये देखिए भजिया बहुत ही कुरकुरा, एकदम ऊपर से कुरकुरा और अंदर से सॉफ्ट था, बहुत ही टेस्टी है। और ये देखिए चना मसाला, और ये है गुलगुला, गुलगुला भी बहुत अच्छा बना है। ये देखिए अंदर से भी एकदम सॉफ्ट है, ऊपर से कुरकुरा, बहुत अच्छा बना है सब इफ्तारी माशाल्लाह। और ये देखिए सज गई है हमारी इफ्तारी दस्तरखान पे, दुआ में याद रखिएगा। और ये देखिए वाटरमेलन रहना तो ज़रूरी है। तो फिर अल्लाह हाफिज़, मिलती है।